93% सड़कें तेज गति से बना दी गई है, पूर्ण कर दी गई है, मात्र 7% सड़कें बची है उसको शीघ्र बनाने के लिए यह रैली है। हमारे देश में अब कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई नंगा नहीं रहेगा, कोई बेबस नहीं रहेगा, कोई अशिक्षित नहीं रहेगा, दवा के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी, कोई खेत प्यासी नहीं रहेगी। देखिए तो इसके संकल्प के लिए यह रैली है, इसलिए यह रैली बहुत ही अभूतपूर्व है कि रात में इतनी संख्या में लोग पहुंचेंगे कि सवेरे से रैली की तरफ जो हुजूम जाएगा वह देखने के लायक होगा। रईपुर गांधी मैदान में हलचल होगी, भीड़ होगी, तो दूसरे ओर पटना की सड़कें भी लोगों को चलते फिरते हुए दिखाई पड़ेगी। यह रैली की विशेषता होगी। आज तक बिहार में जो भी रैली हुई है सबसे अधिक सफलतापूर्वक रैली ये होगी, और गांधी मैदान तो छोटा पड़ेगा ही, फिर भी जितने भी लोग बिहार से आएंगे 2 तारीख को, हम तमाम लोग जितने भी हम लोग सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी लोगों के कोठी पर काफ़ी व्यवस्था है, रहने की, खाने की और सभी व्यवस्था है। और ये रैली आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव है ये प्रदर्शित करेगा कि बिहार में नहीं नहीं पूरे देश में जो इस बार लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है 2019 में, मैं समझता हूँ कि 2014 में जितनी संख्या में लोग जीत के आए थे उससे तो उन्होंने 2/3 बहुमत से पूरे देश में लोग NDA की सरकार बनेगी, जिसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं।